हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे A2 सेल को सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँगा 45 और फिर से A2 सेल को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कलर बैकग्राउंड इसका रेड कर दूँगा और फोरग्राउंड येलो और इसको बोल्ड कर दूँगा। उसी तरह मैं यहाँ पर C2 सेल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर 55 डालूँगा और फिर से ए वाला सेल सेलेक्ट करूंगा। मुझे यही फॉर्मेटिंग जो A2 सेल के अंदर है, सेम फॉन्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर, सेल का बैकग्राउंड कलर भी इस सेल को चाहिए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे A2 सेल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर प्लस और ब्रश मार्क का हो गया है, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट उसको अप्लाई हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।